लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी समेत कई बड़े नेता आज भाजपा में शामिल हो गए। सुरेश पचौरी ने हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी हिस्सा लिया था। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए सुरेश पचौरी गांधी परिवार के भी करीबी थे। सुरेश पचौरी 3 बार राज्यसभा सांसद रहने के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करते हुए मीडिया से भी बात की कि हाल ही में जो निर्णय कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए हैं, कांग्रेस पार्टी जिन सिद्धांतों और नीतियों के लिए जानी जाती रही है उनसे विमुख हो रही है। कांग्रेस पार्टी जनता से विमुख हो रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता से जो रिश्ता रखना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और कांग्रेस पार्टी इस देश को आजादी दिलाने में एक प्रमुख भूमिका अदा करने वाली पार्टी रही है, इसलिए उसे अपने उस इतिहास को याद करके आज काम करना चाहिए। कांग्रेस के इन नेताओं ने ली भाजपा की सदस्यता। सुरेश पचौरी के साथ विशाल पटेल, गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी, संजय शुक्ला, अर्जुन पलिया, आलोक चंसोरिया, कैलाश मिश्रा, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, सुभाष यादव, दिनेश ढिमोले ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए इन सभी नेताओं का अंगवस्त्र और टोपी पहनाकर स्वागत किया। पचौरी का जनाधार नहीं। सुरेश पचौरी के कांग्रेस ज्वाइन करने पर कांग्रेस प्रवक्ता अजीत भदौरिया ने भी प्रतिक्रिया दी। भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस ने सुरेश पचौरी को बड़ा नेता बनाया, वे गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। संघर्ष के दौर में अगर वो छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाएं। सुरेश पचौरी का कोई बड़ा आदर नहीं है। पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ने की पेशकश की थी लेकिन उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। उनका कोई ज्यादा जनाधार नहीं है। इसी बीच कांग्रेस पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म कर देंगे। कि महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद ये कहा था कि कांग्रेस आजादी का आंदोलन था, आजादी मिल गई कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, नए राजनीतिक दल बने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आजादी के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाया। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की इस इच्छा को कि कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए पूरा कर कर ही चैन की सांस लेंगे। एक एक करके कांग्रेस के सारे अच्छे नेता इस नेतृत्व के कारण परेशान होके दिशाहीन, गतिहीन, पता ही नहीं भैया क्या कहेंगे क्या करेंगे, तो ये तो बंटाधार करने निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर है। गजेंद्र के बीजेपी में शामिल होने से धार के बदल सकते हैं समीकरण। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 24 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 5 सीटें होल्ड रखी गई हैं। ऐसे में संभावना यह है कि गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद धार की सीट पर समीकरण बदल सकते हैं। साल 1989 में वो मनावर सीट से भाजपा से विधायक रह चुके हैं। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वो 1990 से 92 तक विधायक रहे और 3 बार के सांसद हैं। 1998 और 2009 के धार लोकसभा क्षेत्र से वो कांग्रेस से जीत चुके हैं।